तो आज वीडियो बात करने वाले हैं फ्लैश के वॉचर के ऊपर, फ्लैश के रिलेटेड इसके तमाम सीजन और इसके मूवीज के ऊपर हम बात करेंगे, यानी डीसी के वो तमाम सीजन और मूवीज जिनके अंदर आपको फ्लैश का अपीयरेंस देखने को मिल जाता है। तो इतना इजी और सिंपल हो सके उसमें करने की कोशिश करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके सीजन से। तो फ्लैश सीरीज के अंदर आपको टोटल 9 सीजन देखने को मिलते हैं जो 2014 से लेकर अभी तक कंटिन्यू जा रहे हैं। इसके अलावा भी फ्लैश का डीसी की बहुत सारी सीरीज के अंदर क्रॉसओवर और अपीयरेंस है जो कि इसके मेन सीजन से भी रिलेटेड है। तो इन टोटल 8 क्रॉसओवर को भी एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें से इसका सबसे पहला क्रॉसओवर हुआ था डीसी की सीरीज एरो के सीजन 3 एपिसोड 8 के अंदर फ्लैश वर्सेस एरो हुआ था, जिसका रिलेशन आपको द फ्लैश के सीजन 1 के एपिसोड 8 के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो इस फर्स्ट क्रॉसओवर के बाद जो उसका सेकंड क्रॉसओवर हुआ था वो था एरो के सीजन 4 के एपिसोड 8 के अंदर, जिसका नाम था हीरोज जॉइंट फोर्सेस, जिसका रिलेशन आपको द फ्लैश के सीजन 2 के एपिसोड 8 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस सेकंड क्रॉसओवर के बाद जो आप थर्ड क्रॉसओवर देखेंगे ये हुआ था सुपर गर्ल के सीजन 1 के एपिसोड 18 के अंदर, जिसका नाम था वर्ल्ड फाइनेस्ट। इसके बाद जो फ्लैश का फोर्थ क्रॉसओवर हुआ था ये हुआ था एरोस के सीजन 5 के एपिसोड 8 के अंदर, जिसका रिलेशन आपको द फ्लैश के सीजन 3 के एपिसोड 8 के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके साथ एक न्यू सीरीज के अंदर भी आपको इसका अपीयरेंस देखने को मिल जाता है, जिसका नाम था लेजेंड्स ऑफ टुमारो, जिसके सीजन 2 के एपिसोड 7 के अंदर भी आपको फ्लैश देखने को मिलेगा। जिसके बाद जो इसका फिफ्थ क्रॉसओवर हुआ था ये हुआ था सुपर गर्ल के सीजन 2 के एपिसोड 16 के अंदर, जिसका रिलेशन आपको द फ्लैश के सीजन 3 के एपिसोड 17 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्लैश का जो सिक्स्थ क्रॉसओवर हुआ था दूसरी सीरीज के साथ, उसमें सबसे पहले आती है सुपर गर्ल सीजन 3 एपिसोड 8 के अंदर, एरो सीरीज के सीजन 6 के एपिसोड 8 के अंदर, जिसका रिलेशन आपको द फ्लैश के सीजन 4 एपिसोड 8 में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इनका क्रॉसओवर हुआ था लेजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 के एपिसोड 8 के अंदर, जिसमें आपको फ्लैश का अपीयरेंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो इसका सेवंथ क्रॉसओवर हुआ था ये हुआ था एरोस के सीजन 7 के एपिसोड 9 के अंदर, सुपर गर्ल के सीजन 4 के एपिसोड 9 के अंदर, और ये इसका सेवंथ क्रॉसओवर था। इसके बाद जो इसका लास्ट क्रॉसओवर हुआ था ये हुआ था सुपर गर्ल के सीजन 5 के एपिसोड 9 के अंदर, बैट वूमन के सीजन 1 के एपिसोड 9 के अंदर, द फ्लैश के सीजन 6 के एपिसोड 9 के अंदर, एरो के सीजन 8 के एपिसोड 8 के अंदर, और लेजेंड्स ऑफ टुमारो के सीजन 5 के एपिसोड 0 के अंदर। इन तमाम सीजन्स के एपिसोड्स के अंदर भी आपको फ्लैश का अपीयरेंस देखने को मिल जाता है, यानी फ्लैश अपने ओरिजिनल सीजन्स के अलावा भी डीसी की बहुत सारे सीजन के अंदर अपना अपीयरेंस दे चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मूवीज के ऊपर। जिस तरह फ्लैश का सीजन्स के अंदर क्रॉसओवर हो चुका है, उसी तरह इसकी मूवीज के अंदर भी काफी क्रॉसओवर हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले मूवी आती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, जो रिलीज हुई थी 2016 के अंदर। इसके अंदर भी आपको फ्लैश का बहुत ही थोड़ा सा अपीयरेंस देखने को मिल जाता है, जो नियरली 1 मिनट से 30 सेकंड्स का है। उसके बाद जो आप सेकंड मूवी देखेंगे, इसका नाम था सुसाइड स्क्वाड, जो रिलीज हुई थी 2016 के अंदर। इसके अंदर आपको फ्लैश एक क्रिमिनल को पकड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि 1 मिनट से 1.5 मिनट का सीन हो सकता है। उसके अलावा इस मूवी के अंदर कोई मेजर रोल नहीं है फ्लैश का। इसके बाद जो आप थर्ड देखेंगे फ्लैश की मूवी, उसका नाम था जस्टिस लीग, जो रिलीज हुई थी 2017 के अंदर। और इस मूवी के अंदर फ्लैश जस्टिस लीग के मेन मेंबर की तरह काम करते हैं, और ये फ्लैश के रिलेटेड मेन फर्स्ट मूवी है। तो इस मूवी को देखने के बाद आप जो सेकंड मूवी देखेंगे, इसका नाम था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग 2021, इसके अंदर भी आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगा। तो इस मूवी के बाद जो नेक्स्ट मूवी के अंदर फ्लैश का अपीयरेंस होना है, उसका नाम है द फ्लैश, जो रिलीज होगी 2023 के ऊपर, जो कम्प्लीट मूवी फ्लैश के ऊपर ही बनाई जाएगी। इसके अलावा फ्लैश का किसी दूसरे सीजन और किसी दूसरी मूवीज के अंदर कोई अपीयरेंस नहीं है। तो ये मोस्टली सीजन आपको इंग्लिश डब में ही देखने को मिलेंगे, और इसकी कुछ मूवीज हैं जो आपको हिंदी डब में देखने को मिल सकती हैं। तो मैं कहता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपकी फेवरेट सीरीज के वॉचर बता रहा हूँ। एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।